जो रहता है उजालों में, जो रहता है अंधेरों में, जो रहता है शब्दों में, जो रहता है निशब्दों में, जो रहता है ब्रह्मांड की शून्यताओं में, जो रहता है इस पृथ्वी की परिपूर्णताओं में, वो रहता है बच्चों की किताबों में, वो रहता है साधु के रुद्राक्ष में, जन्म मृत्यु जीवन यौवन सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र, इस संसार के जीवन मृत्यु चक्र में सदा सर्वदा वही विद्यमान है, जो है जगत के नाथ प्रभु श्री भोलेनाथ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को ऐसे ही एक बहुत बड़े शिवलिंग के दर्शन करवाऊंगा, जो कि अवस्थित है वर्धमान शहर में, और ये माना भी जाता है कि ये शिवलिंग वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो इस शिवलिंग के बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ कि कैसे इस शिवलिंग की प्राप्ति हुई, कब हुई एंड एक्सेट्रा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो दोस्तों, मैं हूँ शुभंकर एंड दिस इज वीकेंड ब्लास्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो दोस्तों, इस शिवलिंग की प्राप्ति हुई थी 10 अगस्त 1972 को, और ये जो जगह भी आप लोग देख रहे हैं, ये जगह भी पहले ऐसी तो बिल्कुल नहीं थी। पहले इस जगह पे कृषि कार्य होता था, यानी कि फार्मिंग होती थी। उसके बाद एक दिन फार्मिंग के चक्कर में यहाँ पे खुदाई करना शुरू हुआ, ठीक है। तो फार्मर्स जैसे खुदाई करते हैं, वैसे ही यहाँ पे खुदाई चालू हुई, और थोड़े दिन खुदाई चलने के बाद जमीन में से खुदाई करते वक्त एक आवाज निकली। पहले तो लोगों को पता नहीं चला कि ये किस चीज की आवाज है, लेकिन धीरे धीरे खुदाई बढ़ती गई, गड्ढा गहरा होता गया, तब उन लोगों को पता चला कि ये एक शिवलिंग है। तो उसके बाद यहाँ पे लॉरियां आई, ठीक है, ट्रक्स आए, और मिट्टियों को ट्रकों में भर भर के बाहर फेंका गया इस शिवलिंग को बाहर निकालने के लिए, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। उसके बाद एक क्रेन मंगवाया गया और उस क्रेन के सहारे इस मूर्ति को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं क्योंकि क्रेन गया टूट और बाहर निकालने का सपना गया फूट। लेकिन बाद में यहाँ पे दो मिलिट्री क्रेन्स को मंगवाया गया, जो हैवी ड्यूटी क्रेन्स होती हैं, और उसके सहारे इस शिवलिंग को बाहर निकाला गया, जो आज आपके सामने है। तो दोस्तों, मैं ये कह रहा था कि ये शिवलिंग वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा शिवलिंग हो सकता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 5 feet 9 inches है एंड इसकी चौड़ाई 6 feet है। और ये जो गौरीपट आप लोग देख रहे हैं, इसका जो लंबाई है ये है 18 feet। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कह रहा था कि शायद ये शिवलिंग वेस्ट बंगाल का सबसे बड़ा शिवलिंग है। मैंने इससे बड़ा गौरीपट कहीं पर भी नहीं देखा, ऊंचाई इससे बड़ी हो सकती है, लेकिन ऐसा गौरीपट 18 फुट लंबा मैंने आज तक नहीं देखा। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज द बिगेस्ट शिवलिंग इन वेस्ट बंगाल। सो दोस्तों, हर साल श्रावण महीने की 25 तारीख को इस शिवलिंग की पूजा बहुत ही धूमधाम से की जाती है। उस दिन यहाँ पे तारक ब्रह्म चुंडी पाठ एंड शिव तांडव स्तोत्रम एंड अलॉट्स ऑफ मंत्रा भी पढ़े जाते हैं, और यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला भी लगता है। बट इस साल ड्यू टू कोरोना वायरस इस तरीके से सेलिब्रेशन हुआ नहीं, लेकिन छोटा सा एक मेला जरूर लगा था और कुछ मंत्रास पढ़े भी गए थे। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो एंड आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये जानकारी जान के बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं शुभंकर आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाता रहता हूं। तो दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।